त्योहारों के अवसर पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी और आसान से बनने वाली मिठाई। यह है काठियावाड़ी पेड़ा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग रिपीट। तो ये काठियावाड़ी पेड़ा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई जो हमें लेनी है थोड़ा हैवी तले की ली है, और यहाँ पर लिया है 1 लीटर का फुल क्रीम मिल्क। तो हम पहले कढ़ाई में दूध को डाल लेते हैं। अभी गैस मैंने ऑन नहीं की है, तो इसके लिए हम फुल क्रीम मिल्क लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे मिठाई हमारी सॉफ्ट बनती है। अब हमने गैस को ऑन कर लिया है और दूध को हम बॉयल होने देंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तब तक हम इसे हल्का सा चला लेंगे ताकि ये जल ना जाए। तो अब हम इसे बॉइल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए, आप दूध में उबाल आ चुका है, और अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं, और जो साइड्स में मलाई जम जाती है ना, उसको भी हम उतार कर दूध में ही मिक्स कर लेंगे। तो एक दो मिनट जब दूध उबल जाता है तब हम इसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि हमें बेसिकली इस मिठाई के लिए हमें इसमें दाना बनाना है। तो अब हम डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर मिल्क में आधा कप चीनी ली है, और अभी मैं यहाँ पर डालूंगी 2 चम्मच चीनी। तो बहुत ज़्यादा चीनी हम इसमें नहीं डालेंगे, हम इसलिए डाल रहे हैं इससे हमारी मिठाई में जो दाना बनाना है वो थोड़ा सॉफ्ट भी बनेगा और मीठा भी बनेगा। तो चीनी को हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है। तो जब तक ये चीनी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाती है तब तक हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चीनी दूध को पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके लिए दूध में दाना बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दाना बनाने के लिए लिया फिटकरी। तो ये देखिए इस तरह की है, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी, और मैंने इसको पीस कर पाउडर भी बना लिया है। तो हम आधा चम्मच इसमें दूध में मिक्स करेंगे, इससे हमारा दूध फट जाएगा, यानी कि छेना बन जाएगा और इसमें दाना बन जाएगा। तो मैंने ये वाली स्पून ली है आधा चम्मच। देखिए, मैं इससे नापकर आपको दिखा देती हूँ, और घर के चम्मच से भी मैं आपको नापकर दिखा देती हूँ, जो हम घर में अक्सर यूज करते हैं। देखिए, उसमें जब हम डाल रहे हैं तो इस तरह से आधा चम्मच फिटकरी पाउडर है ये। आप इसकी जगह नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे दूध में मिक्स करेंगे। अब अगर नींबू का रस इसके लिए यूज कर रहे हैं तो 1 चम्मच नींबू का रस लेंगे और 1 चम्मच लेंगे पानी। तो 2 चम्मच नींबू का रस इसमें काफी रहेगा 1 लीटर मिल्क में। तो अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो दाना है बनाना है हमें बिल्कुल मोटा वाला हमें फाड़ना नहीं है, पानी नहीं अलग करना है। दूध में जैसे हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम फाड़ते हैं तो बिल्कुल पानी निकल जाता है, तो हमें उस तरीके का दूध नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर दूध में हम लगातार इसको चला रहे हैं, बिल्कुल चलाना नहीं छोड़ना है जब हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर एक भरी 3 से 4 मिनट पकने के बाद दूध में देखिए दाना बन गया है, और आप देख रहे होंगे पानी नहीं बना है, दूध दूध ही है, क्योंकि अगर ये फट जाता तो पानी अलग हो जाता है और छेना अलग हो जाता है। अब हमें इसे पकाते हुए 10 से 15 मिनट हो गई हैं। तो अब हम इसके लिए एक कैरेमल तैयार करेंगे जो हम चीनी से बनाएंगे। इसे हम दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देते हैं और ये पकता रहेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दूध को दूसरी गैस पर रख दिया है, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, और उस गैस पर मैंने रखा है एक और पैन जिसमें हमें कैरेमल तैयार करना है। तो देखिए, अब हम इसे मीडियम हीट पर पकने के लिए छोड़ देते हैं, और दूसरी गैस पर जो हमने पैन रखा है उसे चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने जो चीनी ली थी उसमें थोड़ी सी चीनी तो हमने दूध में मिक्स कर दी है, और थोड़ी सी चीनी जो हमारे पास बची हुई है उससे हम कैरेमल तैयार कर लेते हैं। पैन को हल्का गर्म किया है, और चीनी को इस तरह से पैन पर फैला लेंगे, और इसके बाद हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। तो धीरे धीरे चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है। अगर इसका कलर चेंज हो गया तो ये कड़वी हो जाएगी, केवल हमें इसे मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। और बीच बीच में हम दूध को भी चेक करते रहेंगे, उसको भी मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद चीनी मेल्ट होने लगेगी, हल्का हल्का देख रहे होंगे आप, चीनी मेल्ट होने लगी है, और हल्का सा हम पैन को हिला लेंगे
लेकिन हमें टच बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी स्पैचुला से इसे नहीं हिलाना है, बस हल्का सा पैन को हिलाएंगे ताकि चारों तरफ से बिल्कुल एक सार ही मेल्ट हो जाए। तो यहां पर देखिए चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है, मैं आपको पास से दिखा देती हूं। तो हमें बहुत ज्यादा देर इसे पैन में भी नहीं रखना है क्योंकि पैन बहुत ज्यादा गर्म है। अब हमने वो दूध भी उस गैस पर रख लिया है और अब हम इसमें मिक्स करेंगे कैरेमल। तो हमें इस समय पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और देखिए थोड़ा थोड़ा करके ये कैरेमल हम इसमें डाल देंगे। एक हाथ से हम कैरेमल इसमें डालेंगे और दूसरे हाथ से हम मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बन जाए, चीनी की गांठें ना बन जाए। तो देखिए इसे हम लगातार चला रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपकी मिठाई या दूध है उसका कलर चेंज होने लगा है, कैरेमल के कलर में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए हम लगातार इसको चला रहे हैं, मीडियम हीट पर ही हमने इस मिठाई को बनाया है और अब हम इस स्पैचुला को इस तरह से चलाएंगे जो ये दाना हमने बनाया है ना दूध में वो बिल्कुल एकसार हो जाएगा, कहीं से भी मोटा पतला बारीक ऐसा दाना नहीं रहेगा। तो हल्का सा प्रेस करते हुए हम इस स्पैचुला को चलाएंगे और अब हमें इसे पानी को बिल्कुल सुखा लेना है, जो दूध है इसमें वो पूरी तरह से सुखा लेना है और केवल दाने को ही बचाना है। तो देखिए कितना अच्छा दाना बना है और कलर देखिए आप कितना परफेक्ट आया है कैरेमल का। तो हमें कैरेमल बनाते हुए ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा उसको नहीं पकाना है, बहुत ही लाइट कलर, केवल हमें चीनी को मेल्ट करना है। तो देखिए 10 मिनट और बाद मैंने इसको पका लिया है, इतना पक गया है कि बिल्कुल हल्का हल्का केवल इसमें दानेदार मावा रह गया है। तो अब हमने इस पानी को पूरी तरह से सुखा लिया है, दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं है देखिए इस कंडीशन पर, और इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं। और अब हम इसे प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा देर हम इसे पैन में नहीं रखेंगे वरना तो ये हार्ड हो जाएगा और हमारी मिठाई हार्ड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब ये ठंडा हो गया है, उसके बाद हम इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथ में लेकर हम इसे बाइंड करेंगे और पेड़े की शेप देंगे। तो देखिए बहुत ही मजेदार से बहुत टेस्टी से पेड़े हमारे बन रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत आसान सी रेसिपी है, केवल दो चीजों से हमने इसे तैयार किया है। तो बहुत ही झटपट आप आने वाले त्योहारों पर ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। स्पेशल है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि केवल हमने दूध और चीनी से इसको बनाया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पेड़ों को तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है ना तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम अपने पेड़ों को गार्निश कर लेते हैं, बादाम के साथ मैंने इसको गार्निश किया है, आप किसी के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर खोल के दिखा देती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट और दानेदार पेड़ा हमारा तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही स्पेशल मिठाई है, गुजरात की काठियावाड़ी पेड़ा। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आप एक बार इसे फेस्टिवल पर जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।